क्यों है? बोल। तुम्हारे भाग्य को रोती हूँ, भरत के भविष्य को रोती हूँ। क्या कहा? 14 दिन से देख रही हूँ, तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी पर नहीं आएगी। तू कहना क्या चाहती है? तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं। कौन बिछा रहा है? कौशल्या, क्या भक्ति है घर फोड़ने? घर तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी। क्यों? कल से कौशल्या यहां सब कुछ होगी। मुझे खुशी होगी, उसका बेटा राम राजा बनेगा। ये सब के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मत करा। कही कही महाराज, कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी, उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी, जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सच्चाई का यही तो इनाम होता है महाराज। चुप रह। नहीं, चुप नहीं रहूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया। महारानी, राम राजा बने चाहे भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर भी जो मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हें भी सुना देना अपना कर्तव्य समझती हूं। तूने क्या सुना है? जब मैं कल रात कौशल्या के कक्ष के पास से जा रही थी तो वो दांत पीस पीस कर कह रही थी। क्या कह रही थी? राम को राजपद पाले ने दो, फिर मैं कहीं कहीं का घमंड चूर करूंगी। ये बातें तूने ही सुनी या और किसी ने? ऐसी बातें सबके सामने नहीं कही जाती। आज से पहले मैंने तुमसे ऐसी बात कभी कही थी? नहीं। तो फिर आज ही क्यों कहने लगी? कही कही महाराज और कौशल्या ने मिलकर कपट जाल बिछाया, भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज दे रहे हैं। राम को राजा बनाने के लिए महाराज से मैंने ही कहा था, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूं। क्यों कौशल्या तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती है, वो जानती है तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है, इसीलिए तुमसे अधिक प्रेम करने के लिए उसने राम को सिखाया है। धन्य है कौशल्या, धन्य। उसने अपने बेटे का जीवन सुखी करने के लिए कौन से उपाय नहीं, कौन कौन से छल कपट नहीं रचे, और एकमात्र तुम जिसने अपने ही तन के बेटे के सुख में आग लगाई, अपने ही हाथों उसे दर दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की। तुम भरत की मां नहीं, हृदयहीन हो, पापी हो, हत्यारीन हो। रहने दे, अब रहने भी दे, रहने दे। कैसे रहने दे? जिस भरत को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है, ममता भरी लोरियां दी है, सवारा है, दुलारा है, उसी भरत को भिक्षा का पात्र लेके दर दर भटकते हुए कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। उससे पहले मैं अपना सर पटक पटक कर इस पापी जीवन का अंत कर दूंगी। भरत मैंने भरत को जन्म दिया है, पर उसकी सच्ची मां तू है, तू उसके लिए प्राण दे सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब हो भी क्या सकता है? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। कैसे?